अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं शब्बीर अली, मेरे साथ हैं आतिक भाई। अस्सलाम वालेकुम आतिक भाई। तो आतिक भाई, आज हम लोग अभी क्या दिखाने वाले हैं? अभी हम लोग, मैं बता दूं जी, आप बताइए। चलिए पहले दिखा देते हैं फिर बताते हैं। ये देखिए मक्का चीनी हम लोग दिखाने वाले हैं, और इसके साथ है आपका अबलक में आपका जो है नागोड़ी नागरा। तो नागरा बीट जो होती है वो ब्राउन होती है, उसके साथ मिक्स होता है तो वो आपका अबलक कहा जाता है। तो ये देखिए अबला नागरा में आपका ये वाला है बीटल, और दोनों अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे वेट हाइट पे है। जैसे कि लगभग मेरे को देख के लग रहा है इनके फार्म में सबसे भारी जानवर यही है कि नहीं आतिक भाई? जी, 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 ये लगभग कितना वेट पे होगा? 120 110 केजी के ऊपर होगा। बेशक बेशक, आप ही साइन देखिए, इसका हाइट भी देखिए, ये हाइट में भी अब तक का ये बड़ा है। कितना हो गया है ऑलमोस्ट? ये लगभग तो मेरे ख्याल से 45 के आसपास है। अब लमसम एक इंच ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हम जो देख रहे हैं इससे आगे जो हमने 43 इंचेस का देखा है बकड़ा, उसमें उसके हिसाब से ये काफी हाइटेबल है। तो उसके उसके लिहाज से हम लोग बता रहे हैं कि ये लगभग 45 के आसपास है। जी वजन हाइट खूबसूरती भी दी है शब्बीर भाई, इसका पूरा भरा हुआ है जानवर देखे जी। जैसे कि ये भाई को हम लोग देख रहे हैं, पूरा भाई का हाइट में आ रहा है देखे बकड़ा। ये तो आपके भी हाइट में आ रहा है, आप थोड़ा सामने जाइए। तो आतिक भाई आपका क्या हाइट होगा? लगभग 5'8" है। फेस तो पूरा आप तक ही आ रहा है मोरलेस, आप थोड़ा सामने जाएं। माशाल्लाह जी, जानवर बहुत खूबसूरत है। मक्का चीनी, जैसे कि बहुत सारे लोग पूछते हैं मक्का चीनी अवेलेबल है कि नहीं, तो जो भी भाई मक्का चीनी देखना चाहते हैं देखिए आपके लिए है। आप शौक करते हैं तो आकर इसको ले जा सकते हैं। ये मक्का चीनी ब्रीड जो है मोस्टली, ये भी मालूम है आपको, ये भी आपका पाकिस्तान साइड से ही आया गया है। ये भी जो है इंडिया में हम लोग अभी इसको ये कर रहे हैं ब्रीड के लिए, जो ब्रीडिंग सेटअप हो रहा है क्रॉस करा के इसको लाया जा रहा है, लेकिन ये ब्रीड जो मेनली है ये पाकिस्तान से है। चलिए अब दूसरा वाला दिखाएं आतिक भाई, इसके बारे में बताएं हमको आप। देखिए शब्बीर भाई, जैसा आपने बोला अबलग जी, अबलग और नागोरी में आपका मिक्स है जी। तो देखिए शब्बीर भाई, दो जानवर इस फ्रेम में दिखा रहे हैं, दिखाने का ये मकसद है कि फार्म का ये बेस्ट है जी, हाइट और वेट पर जी। एक्चुअली नागौर एक जगह का नाम है, ये ब्रीड वही की होने रहने वाली है, तो उसके नाम के ऊपर से जैसे अजमेरी वगैरह हम लोग कहते हैं ना बकड़े में, तो वो अजमेर का बिलोंगिंग जो होता है, जैसे कि आपका सोजत है वो जगह का नाम होता है, तो वैसे ही ये वहां की बिलोंगिंग है, इसलिए इसका नाम में आपका जो है वो लगता है, और अबलग पैटर्न में है ये, समझ गया जी। देखिए शाबान ब्रूज, मटिया ब्रूज काटगोला के पास में, इनका शफी काटगोला ठीक है, लैंडमार्क है जी। दो जानवर जो इसमें दिखा रहे हैं फिलहाल, ये अवेलेबल है फॉर सेल बकरा ईद के लिए, खच्ची किया हुआ है जी, और ये गोटा पर सेल है। वजन जैसे मैंने बता दिया कि वो आपका 110 करीबन 100 से ऊपर, ये आपका सेम अप्रोक्स, दोनों जानवर सेम वेट पर है, बहुत ज्यादा है ये थोड़ा सा कम है। जो बहुत सारे लोग आपके जो आपको कॉल करते हैं और पता करने की कोशिश की, सबसे बड़ा बकड़ा कोलकाता में फिलहाल किया, जैसे आपने जितना भी कवर किया है आपने, हो सकता है इससे ज्यादा हो, ये हम इसका दावा नहीं कर सकते कि इससे ज्यादा कोई ना हो, लेकिन आपने जो कवर किया है उसमें अब तक का ये है, ये सीजन का बड़ी चीज है बकरा ईद, बकरा ईद। और इससे और भी हमने देखा है वैसे, लेकिन वो सेलेबल नहीं है, ये सेल के लिए है, तो कोई भी चाहे तो वो ले सकते हैं। वैसे बहुत सारे भाई शौक से पाल रहे हैं, तो इससे ज्यादा भी हो सकता है उनके पास, हम ये नहीं कहेंगे कि ये यही है भाई, जो फिलहाल जो सेल पे हमें दिख रहा है वो ये है सबसे भारी। जी पैटर्न, कलर पैटर्न जो है इसका देखिए, कलर पैटर्न बहुत अच्छा है जी जी। मक्का चीनी का जो कलर पैटर्न ही आदमी पसंद करता है वो देखिए आप, ये जो है ना आपका बुंदा बुंदा व्हाइट और ब्राउन में, कभी लाइट ब्राउन में भी आता है, और भी इनके पास है इसके अलावा मक्का चीनी में जो छोटा जानवर है। तो ऐसा नहीं है कोई भाई का, अगर मान ले आप कॉन्टैक्ट करते हैं आपको समझ में आता है ये बजट के आपके बाहर है, तो इनके पास और भी ऑप्शन है, आप इनसे कॉन्टैक्ट करेंगे उनका फोटो दे देंगे कि मक्का चीनी पैटर्न में इनके पास छोटा जानवर भी है। आतिक भाई और बताएं इसके बारे में बताएं। बस ठीक है भाई, देखिए जैसे मैंने कह दिया, वेट हाइट क्वालिटी खूबसूरती सब इस फार्म में है, और एक नहीं करीबन 25 जानवर इनके पास में, सब एक पर एक है, और सब वजनदार और हाइटेबल जानवर है, सब खूबसूरत है माशाल्लाह जी, और हाईली मेंटेन है, जैसे कि आप देख रहे हैं फार्म बिल्कुल क्लीन है, ऑर्गेनिक तरीके से इनको ऑर्गेनिक खाना दिया जा रहा है, कोई भराई नहीं, सेल्फ फीडिंग को इंजेक्शन वगैरह देके बूस्टर देके इसको आपको वेट गेन नहीं किया गया है, सेल्फ फीडिंग पे। नंबर मेंशन है स्क्रीन पर, आगे का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, शॉप बड़ी चीज कैंपेन चल रहा है, भाई से गुजारिश करूंगा कि शेयर कीजिए कि ये शॉप और भी लोगों तक जाए, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।